नमस्कार मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूं हमारी चैनल चलो बदल दे जिंदगी में। तो मित्रों, ये जो चैनल है चलो बदल दे जिंदगी, सच में आप इसके साथ जुड़ के आप अपने आप को बदल सकते हो, आपके अपने जीवन को बदल सकते हो और लाल किताब के छोटे छोटे बहुत सरल उपायों से आप जुड़कर अपने जीवन में जोड़कर इस किताब को जोड़कर लाल किताब का नॉलेज पाकर आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स पा सकते हो, जिसमें ना कोई पाठ ना कोई पूजा ना जंतर ना मंत्र ना किसी पंडित की आवश्यकता है, ना आपको कहीं बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। तो आगे मित्रों, हमने देखा चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो क्या क्या अपने जीवन से जुड़ता है, चंद्र शनि देखा, चंद्र राहु देखा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण युति चंद्र केतु को अगर हम अपने जीवन से जोड़ें तो हमें क्या मिल सकता है। तो मित्रों, चंद्र केतु एक ऐसी युति है जो आदमी को पागल तक बना सकती है, डिप्रेशन में ले जा सकती है। केतु हमेशा टेंशन में रखने वाला ग्रह है, तो हमेशा ऐसा आदमी टेंशन में रहेगा, इसे बच के रहना है। एक ऐसी चीज़ है, ऐसी युति है आपकी कुंडली में जो आपको हमेशा उदास रखेगा, कुछ ना कुछ सोचने पे, गलत सोचने पे मजबूर करेगा, तो इससे हमें दूर रहना है। आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आप देखोगे कि भाई ऐसा व्यक्तित्व आपके आजू बाजू है, आप इसकी कुंडली उठा कर देख, चंद्र केतु है इसकी कुंडली में, तो मैं जो बोलूँगा वो लक्षण इसकी कुंडली में इसके जीवन में होंगे। बहुत ज़्यादा सोचना, गलत सोचना, पागलपन जैसा इसका बिहेवियर होगा, ऐसा ये हमेशा अपने जीवन में जोड़ कर रहेगा। बुझा बुझा रहना, किसी से अपना मन खोलना नहीं, मन की बात किसी को कहनी नहीं है, मन में ही मन में रख के धीरे 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 ऐसी पोजीशन में जाएगा जो हमेशा तकलीफ में होगा। तो ये सब चीज़ों को अगर हम देखें जाने तो बहुत अच्छा ये होगा। चंद्र केतु यूरिन से जुड़ी हुई तकलीफ़ें दे सकता है, पेशाब से जुड़े हुए रोग दे सकता है, किडनी खराब कर सकता है। चंद्र पानी है, केतु एक इस पर जो असर डालने वाला ग्रह है, तो केतु अपनी बॉडी में जो पार्ट है, दो कान, स्पाइनल कॉर्ड और कमर के नीचे का भाग, ये सबों से जुड़े हुए रोग भी आपको दे सकता है। तो चंद्र केतु को हमें कैसे समझना चाहिए, चंद्र केतु एक ऐसी युति है जो अगर खराब हुई हो और आपने इसकी केयर नहीं की तो आपके जीवन को ये बर्बाद कर देगी। तो इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना है और इस पर आपको हमेशा जागते रहना है। कहीं छोटी सी गलती ये दोनों ग्रहों को खराब कर गई तो आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। बहुत मुश्किल है ये, लेकिन आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है कि भाई मैं अपने चंद्र को या केतु को खराब ना कर दूँ, तो इस पर हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ऐसे आदमी को जीवन में क्या ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला ध्यान है किसी के किए गए पेशाब पर पेशाब नहीं करना है। अगर किसी ने पेशाब किया है उसी पर अगर आप पेशाब करते हो तो आपको बहुत नुकसान होगा। आप कोई जगह पे यूरिनल यूज़ करो, टॉयलेट यूज़ करो, तो पहले फ्लश कीजिए, बाद में इसका यूज़ कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको बीमारियां आनी ही आनी है। बुध का उपाय करें, इसे नेक करें, गुरु सूर्य मंगल इसके उपाय से आप इनको ठीक कर सकते हो। इसका असर मंदा हो रहा है तो आपकी कुंडली में कौन से खाने में ये बैठे उस खाने को मजबूत करिए, उस खाने के स्वामी को मजबूत कीजिए। ऐसी युति में रात को दूध पीना बहुत नुकसान करेगा, तो रात को दूध कभी ना पिए। लाल और काले रंग की वस्तु अपने पास रखनी चाहिए, इसमें कौन सी वस्तु होगी, तो ऐसा दो रंग, ऐसा कोई पत्थर, ऐसी धातु या फिर ऐसा कम्बल आप अपने पास रख सकते हो, इसे भी बहुत अच्छा फायदा होगा। मंदी हालत में आपको बुध का दान, ये भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। विद्या की प्राप्ति में रुकावट है तो 3 केले 48 दिन तक आपको मंदिर में दान करने बहुत अच्छा फल देंगे। अगर ये योग खाना नंबर 2 में है तो आपको नए जन्मे बच्चे के पैर में या नए जन्मे गाय के बछड़े के पैर में चांदी का कड़ा पहनाना चाहिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। खाना नंबर 6 में यह योग है तो काला सफ़ेद ऊनी कंबल इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए और ये टुकड़े चंद्रमा की वस्तु के साथ
धरती में दबाने से आपको बहुत राहत मिलेगी। चंद्रमा की वस्तु में होगा चांदी, चावल, दूध, ये सब चीज़ आप इसमें कमल के साथ जमीन में गाड़ते हो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो मित्रों, ये थी चंद्र केतु से जुड़ी हुई जानकारी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे इसलिए आप बेल बटन दबाइए, और जीवन में आगे 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 आपको जहाँ भी जाना है इस वीडियो के सहारे आप जा सकते हो। हमारी चैनल को चलो बदल दे जिंदगी को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ऐसे नए नए वीडियो आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। इसे देख के आप अपने लाल किताब का नॉलेज बढ़ाते बढ़ाते आप अपने जीवन को बदल सकते हो। तो मित्रों, मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो चलो बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।